I'm going to the Empire State Building today. It's considered as one of the most famous buildings on this planet. So, dekhte hain kaisi hai. I've seen it in many series, films, etc. But for the very first time, seeing it in real. So, I'm very, very close to Empire State Building. ये जो ऊपर दिख रही है एकदम टॉलेस्ट यही है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग. 6:45 का अपॉइंटमेंट है तो वी आर जस्ट इन टाइम. अक्षय मुझसे पहले ही पहुंच गया यहाँ पे. मैं 5 मिनट लेट आया हूँ उससे बट इन टाइम. शानदार व्यू एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का. हाँ, फोटो में तक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी. 1931 में बनी थी और बहुत जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था और दैट इज़ वाई इसको वंडर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड भी बोला जाता है. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसकी स्टोरी बनने की एंड रहने की. और 1920 में इसकी सराउंडिंग्स कैसी थी उसके लिए ऐसे टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं. आप इसके अंदर देख के इमेजिन कर सकते हो कि उस वक्त दिखता कैसे था. ये टेलीस्कोप्स एग्जैक्टली उस टाइम का सीन डिस्क्राइब करते हैं. मैं भी देखता हूँ और लेट मी सी ट्राई टू एक कैमरा इंसाइड कर रहा हूँ टेलीस्कोप्स. तो ऐसा कुछ व्यू आ रहा है इसके अंदर. एक और के अंदर देखते हैं ये क्या है. इंटरेस्टिंग काफ़ी इंटरेक्टिव सा बना दिया है इसको. तो इंटरेक्टिव गैलरी है ना इसकी एक खास बात. ये जो जैसे सामने अपन को आदमी दिख रहा है ये लैमिनेट वाला, जब मैं इस टेलीस्कोप से उसके अंदर देखूंगा तो वो जो लैमिनेट वाला है वही एक्टिव हो जाएगा. ये टेलीस्कोप के अंदर का व्यू है. लैमिनेट वाला लाइव हो गया है और इन्होंने ऐसी छोटी छोटी फिल्म इस टेलीस्कोप के अंदर बनाई है जो एकदम लाइव स्ट्रीट व्यू दे रही है कि कैसा दिख रहा है अंदर से. ये तो ही 1920 की बात. ये बोलते हैं कि जो डेवलपर है ना उसने 13 महीने में पूरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया था और 3400 लोग एट इट्स पीक इस काम को कर रहे थे. और एक खास बात, स्टील ऑफन अराइव स्टिल वार्म फ्रॉम द फाउंड्री इन पिट्सबर्ग. मतलब लोहा भी गर्म होता था इतनी तेज़ी से वो लोहा कंज्यूम कर रहे थे इस बिल्डिंग में. ये इसका स्ट्रक्चर अगस्त 1930 का. ये पूरी एक गैलरी है जहाँ पे डिस्प्लेज है एंड बताया गया है कि काम हो कैसे रहा था उस टाइम की. मोस्ट लाइकली रीमेक्स ही है ये तो. मे 1931 में इसका काम कैसा हुआ आज भी न्यूयॉर्क की स्काईलाइन की शान है. एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बहुत चमकती है. डेफिनेटली इट्स नॉट द टॉलेस्ट बिल्डिंग नाउ. 1971 में ये ताज निकल गया एम्पायर स्टेट के हाथ से बट स्टिल काफ़ी अच्छा है. आज भी इंडिया की काफ़ी बिल्डिंग्स में अपन देखते हैं कि ओटिस के एलिवेटर्स लगे रहते हैं. एम्पायर स्टेट इज़ वन ऑफ द बिल्डिंग्स जहाँ पे ओटिस ने काम किया था. ये भी इनकी अचीवमेंट्स में एक शान है शायद. एम्पायर स्टेट में करीब 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस एंड रिटेल स्पेस है और 16,000 वर्कर्स वर्क करते हैं जिसमें यहाँ पे ऑफिस है लिंक्डइन से लेके एक्सपीडिया और शटरस्टॉक जैसी कंपनीज के. और इन्होंने यहाँ पे एक और लाइव व्यू बना रखा है कि कौन सी कंपनी का ऑफिस किस टाइप का दिखता है. तो वी कैन पीक इन वन ऑफ दीज ऐसे वो
होल्स एंड सी कि ऑफिस कैसा लग रहा है. ये ऑफिसेस की रियल फोटोज है एंड दे हैव हाइप्ड इट एज द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस बिल्डिंग. सो मेनी मूवीज हैव बीन शॉट हियर. स्लीपलेस इन सिएटल, स्ट्रेच इट आउट, स्पाइडरमैन एंड एन अफेयर टू रिमेंबर. It's an international media star. Recognized the world over. She is more than the New York City. She's in the hearts and minds of all with roles in movies, digital media, television, comic books, advertisements, as well as people's lives. इन्होंने लाइव गैलरी बनाई है. बता रहा है किन किन मूवीज में एम्पायर स्टेट फीचर हुई है. मिकी माउस, किंग कॉन्ग, टॉम एंड जेरी, स्टार्टलिंग स्टोरीज, लूनी ट्यून्स. इसमें से कुछ मूवीज आज देखनी पड़ेगी मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने तो कोई नहीं देखी है एक्सेप्ट स्पाइडर मैन एन अफेयर टू रिमेंबर. काफ़ी फेमस है ये मूवी. वंडर वुमन नाम तो सुना ही होगा इसका. तो किंग कॉन्ग देखना ही पड़ेगा, क्योंकि किंग कॉन्ग का ही व्यू है ये जोन बना रखा है. यहाँ पे शूट हुई थी तो गैलरी से बना रखी है. यू कैन गो देयर. यहाँ पे हैंड्स टू रीच मेकिंग कॉन्ग के एंड गेट योर पिक्चर्स टेक. सेलिब्रिटीज का तो अट्रैक्शन है. हर सेलिब्रिटी की यहाँ पे पिक्चर है. मिकी माउस आए थे, टेलर स्विफ्ट यहाँ आई है, रोनाल्डिनो, जेंडिया, एरियाना ग्रैंड, रोवन एटकिंसन, क्वीन एलिजाबेथ. सेलिब्रिटीज आए हैं तो उसका पूरा एक गैलरी बना दिया है इन्होंने. और फिर एक सामने ऑफिशियल स्टोर है मर्चेंडीज और के लिए एम्पायर स्टेट की. एलिवेटर के अंदर और इन्होंने मूवी चला दी ऊपर एलिवेटर में. अपने आप में अमेजिंग थी एलिवेटर की जो राइड थी. कान सुन हो गए इतने फ्लोर्स ऊपर आते आते. और बीच में जो डॉक्यूमेंट्री चली वो अच्छी थी. एंड अब मैं 80th फ्लोर पे हूँ. 80th से 86th फ्लोर तक ऑब्जर्वेटरी है. हम एक एक करके फ्लोर चढ़ेंगे और एम्पायर स्टेट के अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. और ये है मैनहट्टन का व्यू फ्रॉम 80th फ्लोर ऑफ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग. वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल. यही ब्यूटी है मैनहट्टन की. यहाँ के स्काई स्क्रेपर्स, हडसन रिवर और ये कोस्ट लाइन या स्काई लाइन, ऐसे लेन्स और एवेन्यूज स्ट्रेट लाइंस में सिटी में. वहाँ पानी में फेरी चल रही है. बहुत शानदार. थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है. वो H&M की बिल्डिंग है, वहीं पे पास में टाइम्स स्क्वायर है. काफ़ी क्रेजी व्यू है. को एम्पायर स्टेट पे जो लाइटिंग होती है इसमें बोल रहे हैं अराउंड 16 मिलियन कलर LED लाइटिंग सिस्टम डिफाइंस न्यूयॉर्क सिटी एट नाइट. और 2012 से
मार्क ब्रिटमैन ने आर्टिस्ट जो है लाइट आर्टिस्ट है उन्होंने डिज़ाइन किया है इस तरीके की रात को लाइटिंग होती है. आई कैन सी इट फ्रॉम माय होम आल्सो या ब्रायंट पार्क से भी दिखता है एंड इट लुक्स अमेजिंग. आई कैन कंफर्म दिस इज गुड. डिफरेंट आर्टिस्ट जो भी आते हैं जैसे पेंटाटोनिक्स आए थे तो उनके लिए मार्क ब्रिटमैन ने लाइटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया था यहाँ पे. एमिनेम के लिए किया था. एमिनेम को तो मार्क ब्रिटमैन कंसिडर्ड हिज ड्रीम प्रोजेक्ट. दिस इज़ प्रिटी कूल. आर्टिस्ट है स्टीफन विल्टशायर. इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है अपने हाथों से. ही टुक अ 30-मिनट हेलीकॉप्टर राइड ओवर द न्यूयॉर्क सिटी एंड मेड दिस पेंटिंग फ्रॉम हिज मेमोरी. एंड ही टुक 5 days टू ड्रॉ दिस वर्क. और ये शानदार लग रहा है. वेरी ब्यूटिफुल. गाइस फाइनली आई एम ऑन द 86th floor. 86th floor में हूँ मैं और यहाँ से न्यूयॉर्क का क्या ही व्यू आएगा. वैसे तो इन्होंने बहुत बेचने की कोशिश की है कि एक मैं अपग्रेड बाय कर लूँ 102 floor का. बट मुझे लोगों ने रिकमेंड कर रखा है पहले से ही कि वो वर्थ इट नहीं है. उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल है. तो ठीक है. द व्यूज़ फ्रॉम दिस फ्लोर एंड सेल्फ आर सो अमेजिंग भाई. और क्या तो हवा चल रही है. बहुत तेज हवा है. ये व्यू है. बहुत ही शानदार नजारा. 102 floor और ऊपर हो जाएगा. तो आसपास वैसे भी कोई बिल्डिंग नहीं है तो 102 floor पे भी जाकर कोई व्यू में डिफरेंस आने नहीं वाला. तो ध्रुव राठी ने अपने व्लॉग में बोला था कि मत लेना. मैंने तो उसका व्लॉग देखा था एंड इट मेक्स सेंस कि 102 का टिकट नहीं लेना था. दिस इज द व्यू गाइस. अमेजिंग. अब यहाँ से कि बस हवा चल रही है बढ़िया. और क्या व्यू है. जो लोग इस हाइट के अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं यहाँ पे उनको रोज़ ऐसा व्यू मिलता है. जस्ट इमेजिनिंग. फायर स्ट्रीट के टॉप से पूरे न्यूयॉर्क के दर्शन तो हो गए हैं. पर क्या लगता है मेरे पीछे इतने सारे लोग अभी भी बिल्डिंग के नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं. यहाँ पर वेट क्यों कर रहे हैं. रीज़न ये है कि सनसेट होने वाला है. तो एम्पायर स्ट्रीट देखने आओ तो टिप ये है कि 6:45 के अराउंड अगर आप टिकट बुक करते हो तो आपका 1 घंटे में टूर होएगा. यू विल फर्स्ट गेट द व्यू सनसेट के पहले का एंड देन यू जस्ट स्टे ऑन दी टॉप एंड देन थोड़ी देर में अभी सनसेट हो जाएगा तो यू विल ऑल्सो गेट टू सी द नाइट लाइट्स ऑफ मैनहट्टन एंड न्यूयॉर्क. तो एक ही ट्रिप में 2 व्यूज़. 1 घंटे मैंने यहाँ पे इंतज़ार किया. अंदर बस बैठ ही गया था. बाकी बहुत लोग बैठे थे. जस्ट दे वर ऑल वेटिंग फॉर सनसेट. अब 9 बज गए हैं. 8:30-9 तक सनसेट हुआ है यहाँ पे. और अब मैं आपको दिखाता हूँ रात का व्यू मैनहट्टन का. ईस्ट ऑफ मैनहट्टन का व्यू है फ्रॉम क्राइसलर बिल्डिंग टू उस तरफ कोनी आइलैंड. आईफोन ने इतनी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दी है कि नाइट का नाइट आ ही नहीं रहा अब तो. इतनी लाइट रियल में है नहीं जितनी ये आईफोन दिखा रहा है.
अभी मैं उस तरफ जा रहा हूँ जहाँ से मुझे टाइम स्क्वायर वाला एरिया देखने को मिलेगा। ये जो H&M की बिल्डिंग दिख रही है इसके पीछे है टाइम स्क्वायर, मतलब टाइम स्क्वायर वाला एरिया। ये अपर मैनहट्टन का व्यू नाइट में। बहुत ही शानदार लग रहा है रियल में तो, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता वीडियो में पूरी फील आ रही है कि नहीं आ रही है। यही बस सबसे खास है न्यूयॉर्क के बाद, स्काईलाइन शानदार है, अनमैच्ड है। एम्पायर स्टेट का भी लाइट शो चालू सा हो गया है, था बल कहाँ चालू हुआ ना, लाइट शो चालू हो गया, अभी चलता रहेगा पूरी रात। ब्यूटिफाइंग एडिंग मोर कलर टू द मैनहट्टन स्काईलाइन। The convenience of being able to walk out my door, go right to any store at any time of the night, get a sandwich at 2 in the morning, and I can have pancakes at 1 a.m. I can actually go to a Broadway show and have brunch at 3 in the morning with friends. Being a New Yorker is amazing. You can do anything, at any time, any place, anywhere. It's amazing. When you're on the 102nd floor or the 86th floor, you're getting a look at the city from a perspective that no one else gets the chance to look at. So you're on the ground level, you're surrounded by these buildings. Now you're above them and you're looking down at everything. So you get to see how everything's being built, how everything's tearing down, being restructured. You get to see the city in a perspective that no one else gets to see. तो गाइज ये था एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का टूर। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट्स कस्टमरी। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।